दिल्ली के रोहिणी अदालत में गोलीबारी में दिल्ली पुलिस ने जेल में पहले से बंद गैंगस्टर तिलू ताजपुरिया को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि इस मामले में पहले से पकड़े गए आरोपियों ने टिल्लू के इशारे पर अदालत कक्ष में गोलीबारी की साजिश की बात कबूली है। पुलिस का कहना था कि टिल्लू को रिमांड पर लेकर इस पूरे मामले की तह तक जाना है, इसलिए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को रिमांड पर सौंपा जाए। अदालत ने पुलिस की मांग को मंजूर कर लिया है, साथ ही टिल्लू को जेल से ही पुलिस के सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जेल से टिल्लू को रिमांड पर ले लिया है। ज्ञात रहे कि 24 सितंबर को रोहिणी अदालत के कोर्ट नंबर 207 में वकील की वेशभूषा में दो युवकों ने गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी पर ताबड़तोड़ गोली चला दी थी। इस हमले में गोगी व उनके दोनों हमलावरों की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। छानबीन के दौरान गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग का नाम सामने आया था। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर उमंग व विनय नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार युवकों ने टिल्लू ताजपुरिया की साजिश होने की बात कही थी। इसी आधार पर पुलिस ने टिल्लू को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का फैसला किया है। इस पूछताछ में क्या खुलासा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा।